वर्ड को वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। या तो हम इसे ओनली वर्ड कहेंगे या वर्ड प्रोसेसर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एम एस शब्द का यूज भी उसके लिए किया जा सकता है। लेकिन जब वर्ड प्रोसेसर की बात की गई हो तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही क्वेश्चन पूछा गया है। वो वर्ड प्रोसेसर में पर्टिकुलरली वर्ड की बात कर रहा है और उसमें ऑफिस पैकेज के अंतर्गत हो सकता है ओपन ऑफिस का पूछा हो, या फिर वो एमएस वर्ड का हो सकता है, लूटस स्मार्ट ऑफिस का हो सकता है, या एंड्रॉयड ऑफिस वर्ड का भी हो सकता है। हमें वहाँ पर पर्टिकुलरली किसी एक कंपनी द्वारा बनाए गए वर्ड प्रोसेसर के बारे में उससे डिटेल नहीं करना है। हमें ये फोकस करना है कि वर्ड प्रोग्राम के बारे में पूछा गया, वर्ड प्रोसेसर के बारे में पूछा गया, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें एमएस शब्द का प्रयोग नहीं करना। लेकिन जब पूछा जाए कि एमएस वर्ड, तब हम एक पर्टिकुलर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वर्ड प्रोसेसर पर बात करेंगे। खासतौर पर सिंपलिसिटी जैसे एग्जाम्स में एमएस वर्ड के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और ओपन ऑफिस का जो वर्ड है उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। शॉर्टकट भी उससे रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय पुराने वर्जन के शॉर्टकट कम पूछे जाते हैं और नए वर्जन के शॉर्टकट ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तब कोई भी वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन जब हम एमएस वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, डिजाइन डेवलप किया गया वर्ड हम काम करेंगे। तो हमारे सिलेबस में एमएस वर्ड है, हम एमएस वर्ड की ओर फोकस कर रहे हैं क्योंकि अधिकांशतः यूज़र द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला ऑफिस पैकेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके पहले सबसे पहले बात करें इसके मेन्यू सिस्टम की। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया भी था कि जो 2003 था उसके अंतर्गत मेन्यू ड्रॉप डाउन में ओपन होता था, लेकिन यहाँ पर रिलेटेड एक व्यू में ओपन हो रहा है और सारे ऑप्शंस को शो करके दे रहा है, और रिलेटेड ऑप्शन से हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ उसके आइकॉन को देखने से समझ में आता है। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लें, ए झेड लिखा है और एरो का चिन्ह है, तो यहाँ पर इसको सॉर्ट करना है। साथ ही साथ हम इस पर कर्सर ले जा रहे हैं तो ये एक यूज़र फ्रेंडली की तरह काम कर रहा है और मैसेज बॉक्स में बता भी रहा है सॉर्ट, यानी यहाँ पर ये लिस्ट को सॉर्ट करने का काम करेगा। और उस सॉर्ट में कौन सा सॉर्ट, तो वो है ए टू जेड, यानी ऐसे नाम जो ए स्पेलिंग से स्टार्ट होते हैं उनको सबसे पहले देगा, इसके बाद वो अन्य को लेगा बी डी ई एफ। तो यहाँ पर सॉर्ट का फॉर्मूला ए टू जेड दे रखा है, ना कि जेड टू ए। जेड टू ए फॉर्मेट में भी सॉर्ट होता है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं ए टू जेड का फॉर्मूला है और इससे हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके बहुत सारे आइकॉन्स हैं। जब यदि हम बात करें अलाइनमेंट की, तो यहाँ पर डेटा टेक्स्ट को आप लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको वर्ड प्रोसेसर लेफ्ट से अलाइनमेंट देता है, यानी जब भी आप डेटा टाइपिंग करेंगे तो वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ कहने का आशय है कि आप आइकॉन को देख करके भी काफ़ी कुछ चीज़ें, डेटा, ऑब्जेक्ट सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, उनके तरीके और कार्य करने की पद्धति में कुछ के में पर्टिकुलरली अंतर हो सकता है, उसको हमें पर्टिकुलरली फोकस से समझना होगा कि इसका यूज़ आखिर करें तो कैसे करें। कुछ ऑप्शंस नॉर्मली हम यूज़ कर पाते हैं, कुछ ऑप्शन हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनकी पर्टिकुलरली स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइल मेन्यू की, जिसे होम के पहले डिजाइन किया गया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 के अंतर्गत इन सारे ऑप्शंस को फाइल रिलेटेड कार्य करने के कारण इसको नाम दिया गया था फाइल मेन्यू। लेकिन 2007 उसके बाद के वर्जनों में इसको एक आइकॉन के रूप में दर्शा दिया गया, जिसे स्टार्ट एप्लीकेशन भी हम कह सकते हैं, जो हमारी पुरानी फाइल और नई फाइल सभी से रिलेटेड वर्क देता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फाइल में न्यू को। न्यू से हम न्यू फाइल असाइन कर सकते हैं, और शायद हमने इसको देख लिया था क्या ओपन करना है ना, ये टेम्पलेट फाइल भी बनाना ऑटोमेटिक देख लिया था। हमारे शायद ऑप्शंस हो गए थे
फाइल ओपन सेव सर्वर्स भी हो गया था है ना, इसके बाद प्रिंट हमारा बचा हुआ था। तो हम आज बात करते हैं प्रिंट से। तो प्रिंट में सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट, और उसका नीचे डिटेल भी दे रखा है, और उसमें बोल रहा है सेलेक्ट ए प्रिंटर नंबर ऑफ कॉपी एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शन बिफोर प्रिंट। प्रिंट के पहले आप उन ऑप्शंस का यूज़ इसके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन जब क्विक प्रिंट की बात आती है तो लिखा है सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विथआउट मेकिंग चेंजेस। यानी यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर आपने सेट कर रखा है अपने पीसी में, उस पर ये प्रिंट छोड़ देगा। अब आपके सिस्टम में हो सकता है कि एक से अधिक प्रिंटर असाइन हो, यानी डले हो, इंस्टॉल हो और डिटेक्ट भी हो, लगे हुए हो, लेकिन उसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कौन सा है। उदाहरण के तौर पर हमने एक कलर प्रिंटर है और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर अपने सिस्टम से जोड़ रखा है यूएसबी केबल से। अब अधिकतर मूलतः जब हमें प्रिंट निकालने की आवश्यकता रहती तो कहीं ना कहीं हमें रहती है ब्लैक एंड वाइट की, तो हम उस प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट करके रखें, और यदि हमें कभी कभार कलर प्रिंटर की आवश्यकता है तो उसे हम डिफ़ॉल्ट पर सेट नहीं करें, ऑप्शनली यूज़ करें। तो वो कैसे होता है उसकी भी हम बात समझ लेते हैं। हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन हमने एक देखा था प्रिंटर एंड फैक्स या डिवाइस एंड प्रिंटर के नाम से है, तो डिवाइस एंड प्रिंटर को हम क्लिक करेंगे। जब इसे हम क्लिक करते हैं तो डिवाइस एंड प्रिंटर विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर जैसे कि एक ही प्रिंटर है, एक्चुअली इस सिस्टम में हमारे पास कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, लेकिन एक माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर नाम का एक एप्लीकेशन जो हमने नेट से भी डाउनलोड किया था, MS Word के लिए XPS फाइल को एक्सपोर्ट करता है, तो वो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट है। यदि हम फैक्स वाले आइकॉन पर सेट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेट करते हैं सेट ए डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, तो ये जो चेकबॉक्स है इस पर लागू होता है। लेकिन हाँ, हो गया, ये देखिए। तो अब जब भी हम डॉक्यूमेंट से फाइल को प्रिंट करने के लिए देंगे, और यदि हमने प्रिंटर को सेलेक्ट नहीं किया है, तो सिस्टम द्वारा जो सिलेक्ट किया गया है डिफ़ॉल्ट प्रिंटर वो है फैक्स वाला आइकॉन। यदि यहाँ पर 1005 या 1020 कोई भी प्रिंटर आपका HP का होगा, कैनन का होगा, सैमसंग का, जो भी होगा, और उसको आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो बाई डिफ़ॉल्ट प्रिंट उसी पर जाएगी। और MS Word में जब आप प्रिंटिंग ऑप्शन का भी प्रयोग करते हैं तो यहाँ के टाइटल बार पर इस प्रिंट के जो सेट होकर के आएगा वो है जो आपने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर आया है फैक्स, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये सपोर्ट करता है। तो क्विक प्रिंट में जब हम प्रिंट देंगे तब तो प्रिंट विंडो ओपन होगी, लेकिन जब हम प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग नहीं करेंगे तब जो है कि ये डायरेक्टली फैक्स पर पहुँचा देगा। तो हम डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जो भी रखना चाहें उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन प्रिंटर में दे रखा है क्विक प्रिंटर, उसमें बोल रहा है कि प्रिंटर विथआउट मेकिंग कोई इसमें चेंजेस नहीं देगा, और डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पर ये डायरेक्टली प्रिंट को सेंड कर देगा, कितनी कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं देगा, आपको सीधे जो भी आपका डॉक्यूमेंट खुला है उसकी प्रिंट दे देगा। खासतौर पर इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें अर्जेंट में कोई प्रिंट बहुत कम समय में निकालना है, हमारे पास समय नहीं है, तुरंत जाना है, जैसे कि आपको आपका रेलवे रिजर्वेशन है या टिकट है, और वो आपने MS Word में डाल रखा था, उसमें प्रिंट नहीं निकाला था, और अभी इस समय ट्रेन का टाइम हो गया है, तुरंत आपको निकालना है, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इस प्रिंट को निकाल पाएंगे। अदरवाइज हमें बाकी नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो प्रिंट करते हैं। इसमें ये है कि हमारा पेज वगैरह सेलेक्ट करने का और सारा क्राइटेरिया इसमें दिया होगा, ताकि हम जिस भी प्रिंटर से निकालना चाहें उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर ओके कर दें, जितनी प्रिंट निकालना चाहें, जितनी कॉपी निकालना चाहें वो सब हम निकाल लें। तो हम इस वाले ऑप्शन को क्विक प्रिंटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सीधे प्रिंट पर पहुंचा देगा, ठीक है। ये कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है सीधे प्रिंट पर, यदि प्रिंटर अटैच होगा, अभी यहाँ पर प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए इस प्रकार का मैसेज दे रहा है, अदरवाइज यदि प्रिंटर अटैच होगा तो इतने में कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी प्रिंटर, ठीक है। हाँ, एक ही कॉपी को सेंड करता है, एक से अधिक है तो फिर आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि एक से अधिक तो फिर प्रिंट में जाएं, सबसे पहला वाला ऑप्शन प्रिंट को कलेक्ट करें। यहाँ पर जो भी प्रिंटर पर आपने प्रिंट पहुँचानी है उस प्रिंटर को हम सेलेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर देते हैं।
प्रिंटर की प्रॉपर्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पेपर यूज़ किए जाते हैं। हो सकता है कि आप जो पेपर पर प्रिंट लेना चाहते हैं वो A4 साइज़ का हो और यहाँ पर जो सिलेक्ट है वो लेटर, तो लेटर की साइज़ में अंतर होता है, दोनों की साइज़ में आपको अंतर मिलेगा, लेटर और A4। ये ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा, प्रिंट के अंतर्गत ही प्रॉपर्टी में भी मिल जाएगा और पेज की साइज में मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपको देखना है साइज कितना अंतर होता है दोनों की में, तो आप प्रिंट लेआउट पे जाएं और यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा साइज, इस साइज में जाएं, यहाँ पर आपको ये साइज बता रहा है, लेटर की साइज बता रहा है 8.5 × 11, यानी ये विड्थ है और ये हाइट है, ये है ना। और वहीं पर हम बात कर रहे हैं A4 की, तो इसमें 8.5 है जबकि A4 में 8.27 है, यानी विड्थ में कुछ चौड़ा है इसकी अपेक्षा, 2.7 है, सॉरी हाँ 5 ही है और 27 है। इसके बाद हाइट में बहुत ज़्यादा अंतर है, A4 11.69 है जबकि ये 11 है, तो जो 6.9 का डेटा है वो आपका, यदि A4 प्रिंटर पेपर पेपर आपके पास A4 है और डेटा लेटर पे गया है तो पेपर की साइज होने के बावजूद भी उसको खाली छोड़ देगा, और डेटा कंटेंट जो है वो नेक्स्ट पेज पे पहुंचा देगा। हो सकता है कि आपके पास 2 पेज का डेटा हो, ऐसे देखा जाए तो 1 पेज का ही हो और 1 लाइन एक्स्ट्रा जारी हो जो नेक्स्ट पेज पर वो ले रहा है। हो सकता है यदि हमने उसको A4 सेलेक्ट किया होता तो एक ही पेज पर आ जाता क्योंकि A4 साइज में कुछ बड़ा होता है। नॉर्मली आपको लेटर पेपर और A4 साइज के जो पेजेस है इनमें ऐसे नॉर्मल तौर पर पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा साइज में यहाँ से अंतर आ जाएगा, है ना। ये हमारा A4 साइज का है, इसको आप कंफर्म करना चाहें कि A4 साइज का ये है तो आप इसको माप सकते हैं। A4 साइज की जो A4 पेपर की जो साइज है वो 8.27 है, आप स्केल लेकर के उसको माप लीजिए कितने में है, और हाइट तो वो A4 साइज का पेपर है। तो अलग अलग साइज के हैं, लीगल साइज होता है ना, स्टेटमेंट हमें निकालना है तो उसके लिए है, एग्जीक्यूटिव है साइज है ना, A4 स्मॉल साइज भी आता है। तो ये अलग अलग साइज यहाँ पे इनवलप वगैरह की साइज यहाँ पर डिफाइल्ड यहाँ पर सेट की गई है, इस प्रकार के कई प्रकार के साइज यहाँ पर दिए होते हैं। मोर पेपर साइज का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम इनको सेट कर सकते हैं। तो हमें डॉक्यूमेंट में पेपर को जो सिलेक्ट करना होगा वो होगा A4, यदि हम A4 पे प्रिंट निकाल रहे हैं तब। तो यहाँ पर भी अब डॉक्यूमेंट में तो हमने सेट कर दिया, डॉक्यूमेंट में तो हमने सेट कर दिया, लेकिन प्रिंट जब हम दे रहे हैं तो प्रिंटर पे भी जाना चाहिए, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में हमें जो है कि A4 को सिलेक्ट करना चाहिए, यदि A4 पर हम प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तब, तो उसकी साइज के अनुसार निकलेगा। और यहाँ पर ऑप्शन है यदि हमें आड़े में पेज को निकालना है इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम लैंडस्केप लेंगे, और खड़े में निकालना है तो पोर्ट्रेट लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से आकर कर सकते हैं। फाइंड प्रिंटर, यदि यहाँ पर प्रिंटर जो आपका है वो अटैच नहीं हो रहा है तो आप फाइंड प्रिंटर पे जाएं, हो सकता है कि वो जो प्रिंटर आप जिसका यूज़ करना चाह रहे हैं वो नेटवर्क प्रिंटर हो, अभी नेटवर्क केबल की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसलिए डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो नेटवर्क प्रिंटर होगा तो यहाँ से आप उसको फाइंड कर पाएंगे। इसके बाद आता है पेज रेंज, और उसमें है ऑल पेज, यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट करें, लेकिन हमें करंट जहाँ पर हमारा कर्सर है उसी को निकालना है, 1 से 50 तक के पेज हो सकते हैं, या जब डेटा की संख्या या पेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में, उदाहरण के तौर पर आपके डॉक्यूमेंट फाइल में प्रोजेक्ट के अंतर्गत तकरीबन 500 पेजेस है और उसमें आपको 450 का पेज निकालना है, तो अब हमें ऐसी स्थिति में पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा पेज कौन सा है, तो हमें उसका स्टेटस चेक करना होगा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसका स्टेटस चेक करें, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं प्रिंट के अंतर्गत करंट पेज, जिस पे भी आपका कर्सर होगा वो करंट पेज कहलाता है, तो वही पेज की प्रिंट ये निकालेगा। और यदि आपको रेंज सिलेक्ट करना है कि जैसे हमारे पास 1 से 10 तक के पेज है लेकिन उसमें 5 और 6 का प्रिंट निकालना है, तो 5-6 हम ऐसा निकाल सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि 5 का निकालें फिर स्किप करके 8 का निकालें, है ना, फिर स्किप करके 10 का निकालें, कुछ कुछ छोड़ दें, है ना। यहाँ पे हमें एक सीरीज उसको देना पड़ेगा 5, 6, 7, 8, यदि हमने यहाँ पर 5 to 8 दिया है तो 5, 6, 7, 5,
6, 7, 8 इस प्रकार से निकाले। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि ओड और इवन फॉर्मूले पे आप निकाल सकते हैं कि आपको इवन फॉर्मेट के पेज चाहिए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 5 to 8, और यहाँ नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट में इवन पेज। तो इवन में 5 को नहीं निकालेगा, 5 के बाद इवन नंबर जो आता है वो है 6, 6 को निकालेगा, 7 को छोड़ देगा, फिर इवन नंबर 8 को निकालेगा, यानी इवन इवन को निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट्स हैं, हालांकि यहाँ पर कॉमा भी दिया गया है, आप चाहे 1 2 3 फॉर्मेट ये यूज़ कर सकते हैं। डैश लगा करके आपको श्री देना होगा और स्किप करना है, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। अच्छा ऑप्शन से यहाँ पर है 4, 7, 8 इस प्रकार से आप कॉमा लगा करके निकाल सकते हैं, ना कि डैश लगा करके। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंट पेज की रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नंबर ऑफ कॉपीज पर, कितनी कॉपी आप उस पेज की निकालनी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉपी क्या निकालेगा उसकी, एक पेज की 6 कॉपी इस प्रकार से प्रत्येक पेज की 6 6 कॉपी निकाल देगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन जस्ट नीचे दे रखा है कलेक्ट, बहुत ही उपयोगी ऑप्शन है, खासतौर पर जब हम प्रिंट दे रहे हो किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। यदि हम कलेक्ट को चेक हटा रहे, चेक स्टेटस ऑफ कर रहे हैं, तो ये बता रहा है 1 1 2 2 3 3, और चेक लगा रहे हैं तो इसमें चेंजेस आ रहा है 1 2 3 1 2 3। यानी उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास 1 से 10 तक के पेज हैं, हमें 1 से 10 तक के पेज की 5 कॉपी निकालना है। अब वो यदि नोट्स हैं जिसका हम प्रिंट निकाल रहे हैं, और हमें एक साथ प्रिंट देना है कि 10 कॉपी निकाल दें, तो हम क्या चाहते हैं कि 1 से 10 तक के सभी पेज की पहले 1 कॉपी निकालें, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, इस प्रकार 10 पेज निकाल लें। सेकेंड टाइम में फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि हमने यहाँ पर चेक स्टेटस ऑफ लगाया तो ये क्या करेगा, पहले पेज की 10 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 10 कॉपी निकालेगा, फिर तीसरे पेज की, तो बैठ करके जमाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 के फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटराइज होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाएंगे, एक ज़्यादा समय लेने वाला काम हमारे पास हो जाएगा। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कलेक्ट को चेक लगाएंगे, तो क्या करेगा, पहले पेज की 1 कॉपी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, इस प्रकार से 1 से 10 तक के सभी पेज की प्रिंट निकालेगा, फिर रिस्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4, इस प्रकार के क्रम में 10 कॉपी आपको सेट दे देगा। लेकिन उदाहरण के तौर पर हमें 10 लोगों के शादी के कार्ड छापने हैं, मैरिज के कार्ड छापने हैं, और उनके 100 100 प्रिंट करना है, या 10 10 प्रिंट करना है, जो भी हम एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहें। अब ऐसी स्थिति में पहले वाले व्यक्ति की 10 कॉपी निकालनी है तो वो निकल जाए, 10ों के हमने फॉर्मेट एक साथ सेट कर रखे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि पहले पेज की 10 कॉपी निकल जाए, फिर दूसरे की निकल जाए, फिर तीसरे की निकल जाए, फिर चौथे की निकल जाए, फिर पांचवी की निकल जाए। यदि यहाँ पर आपने कलेक्ट को चेक लगा दिया तो क्या होगा, 1 से 10 तक लोगों की पहले की 1 कॉपी निकलेगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, सब मिक्स हो जाएगी। फिर बैठकर अलग करो कि ये राम सिंह की, ये नैम सिंह की, ये मोहन सिंह की, मालूम पड़ा कि इसकी पत्रिका उसके यहाँ, उसकी पत्रिका उसके यहाँ। तो हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि ऐसी स्थिति में हम कलेक्ट को चेक नहीं लगाएं। वन पेज, सिंगल पेज आपका जितने भी कॉपी में, नंबर ऑफ कॉपी में उतना निकाल दें, फिर सेकंड पेज पे जाए उसकी नंबर ऑफ कॉपी निकालें, फिर थर्ड पे जाए उसकी नंबर ऑफ कॉपी निकालें, फिर फोर्थ पे जाए उसकी नंबर ऑफ कॉपी निकालें, इस प्रकार से उनका प्रिंट करें। तो ये हम प्रिंट के समय ध्यान देना होगा, ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग नहीं है, ये प्रिंटर की सेटिंग है कि जो हमारे नंबर ऑफ प्रिंट पेज जा रहे हैं, सिस्टम जो जनरेट कर रहा है वो किस प्रकार से प्रिंटर को दे, क्योंकि जब प्रिंट जॉब मिलता है प्रिंटर को, तो प्रिंटर का सेंसर एक्टिवेट होता है उस डेटा को, और जो उसके पास गया एज इट इज उसकी एक इमेज बनेगी, और इमेज के आधार पर प्रिंटर को प्रिंट कर देगा। वो ही नहीं लगता कि यूज़र क्या जाता है, सिस्टम क्या जाता है, ये इन दोनों लोगों ने जो काम किया है वो सही किया है या गलत किया है, वो यूज़र के निर्देशन पे काम नहीं करता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिया गया निर्देश उसको समझता है, और उसको जो हमने निर्देश दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो हमने दिया है, तो हम यहाँ पर देते समय विशेष ध्यान रखें। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बात समझ में। एक बार हम इसको प्रिंट निकाल के भी देख लेंगे किस प्रकार से हम प्रिंट निकालते हैं। इसके बाद है प्रिंट व्हाट, प्रिंट किसे करना है। तो यहाँ पर आपको
नॉर्मल तौर पर हम जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी डेटा हमने लिखा है ये हमारा सब क्या है, डॉक्यूमेंट है, तो इसे ही प्रिंट करना होता है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है, उदाहरण के तौर पर आप बुक का प्रिंट कर रहे हैं और बुक के अंतर्गत तकरीबन 500-700 पेजेस हैं, तो उनका स्टेटस हमें देखना है कि आखिर पेज कितने हैं। वो पेज भी हमें उसके साथ अटैच करना है। जैसे आप कॉपी खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं, तो उसको बता देता है कि इसके अंदर कितने पेजेस हैं, कितने पेज की, विथ कवरिंग का भी बता दे, कवर सहित 199 पेज की है। ऐसे ना 199 का आता नहीं, 200 पेज का हमारा है तो वो कवर कर लेता है, क्योंकि 199 का आंकड़ा कहाँ रखें, पर यदि है तो वो लिख देते हैं उसके ऊपर। तो यदि हम चाहते हैं कि प्रिंट निकालें इसके अलावा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, बट प्रिंट किसे निकालना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी का निकालना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी निकालेगा, प्रॉपर्टी में उसका नाम वगैरह जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, है ना। कोई मार्कअप आपने सेट कर रखा है, लिस्ट बना रखी है, स्टाइल्स जो है उसकी है ना, कोई बुक या सॉरी बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह है, की असाइनमेंट कोई आपने शॉर्टकट असाइन किए हैं, जो भी विंडोज के अंदर सॉरी एमएस वर्ड के अंदर जो शॉर्टकट्स हैं उनके आपको प्रिंट निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे। नॉर्मली हम यहाँ पर सिलेक्ट करके रखते हैं डॉक्यूमेंट। इसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट में आ रहा है ऑल पेज इन रेंज। यहाँ पर अभी जो फॉर्मेट है, यदि आपके पास 1 से 20 तक, जैसे नोट्स हमारे पास है, ये तो आपका सिलेबस का पेज है हमारे पास, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों तरफ प्रिंटिंग है, ठीक है। और खास तौर पर आपको जो नोट्स दिए गए हैं उनमें आप देख पा रहे हैं कि इवन पेज ऑड पेज है, फर्स्ट नंबर पे वन नंबर का, उसके जस्ट बाद आपका इवन पेज है, लेकिन सीरियल क्रम पर एक के बाद एक डेटा कंटेंट आता जा रहा है। अब जो प्रिंटर प्रिंट को लेता है वो किस प्रकार से लेगा, ऐसे आपने प्रिंटर में प्रिंट रखा है, पेज रखा है, तो वो फर्स्ट पेज को लेगा, उसके एक साइड प्रिंट निकाल करके आपको तुरंत ऊपर की ओर दे देता है। वर्तमान समय में जो मल्टी प्रिंटर चल रहे हैं, मल्टी मशीन आ रही है, खासतौर पर जेराक्स मशीन आ रही है, उनके अंतर्गत ये सुविधा होती है कि पेज को वो रिटर्न कर देते हैं और दोनों तरफ वो प्रिंट कर देते हैं। लेकिन जो नॉर्मली हमारे प्रिंटर आते हैं, जैसे 1020 है, 1005 जैसे अपने ऑफिस में लगा हुआ है, तो वो प्रिंटर एक बार में एक ही तरफ प्रिंट करते हैं, मल्टी का ऑप्शन, यानी वो खुद उसको रिटर्न ले ले, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उसके अंतर्गत नहीं होती है। अब यदि हमने यहाँ पर ऑल पेज रेंज सेलेक्ट किया हुआ है तो वो एक के बाद एक 20 पेज को प्रिंट कर देगा, यानी वन साइड, दोनों साइड का प्रिंटिंग ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यदि दोनों तरफ करना है तो आप ओड और इवन फॉर्मूले का यूज कर सकें। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा फर्स्ट टाइम ओड नंबर, और सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट जो होगा है सारे पेज 1 2 3 4 5, इसमें डॉक्यूमेंट फाइल में सारे पेजेस हमारे हैं, लेकिन प्रिंटिंग क्षेत्र के अंतर्गत पहला लेगा इवन नंबर का वन नंबर, इवन फार्मूला हमने यूज किया, सॉरी ऑड नंबर ऑड फार्मूला हमने यूज किया है, तो ऑड में वन लेगा, फिर वो टू को छोड़ देगा, इवन को छोड़ देगा, फिर थ्री को लेगा, फिर फोर को छोड़ देगा, फाइव को लेगा, यानी ऑड नंबर का जो फॉर्मेट है, जो भी पेज आ रहे हैं 1 3 5 7, इस प्रकार से उनको प्रिंट करता जाएगा। अब सभी के ऑड हो गए, इसके बाद हम उनका क्रम बदल देते हैं, उन्हीं पेज को रिटर्न लगा करके रखते हैं और फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इवन फार्मूला और प्रिंट देते हैं, तो अब किसे लेगा 2 4 6, है ना। तो इस प्रकार से पहले में ये इवन ऑड आ जाएगा 1 3, ठीक है, और इसके बाद 5, इसके बाद 7, जब हम रिटर्न लगा के देंगे तो फिर यहाँ पे आएगा, ये वन नंबर है, टू नंबर है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पेज, हमारा वन फार्मूला। तो इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं पेज पर सीट, एक सीट पर कितने पेज को प्रिंट करें, यदि आपको ज़रूरत पड़ती कई बार दो पेज एक ही सीट पर आ जाए, है ना, तो यहाँ पर छोटे रूप में उसकी साइज कम कर देगा, तो एक पेज पे ही एक सीट पर, ये सीट कहलाती है हमारी, एक सीट पर दो पेज को प्रिंट कर देगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्केल स्केल टू पेपर साइज, तो पेपर का साइज यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर नो स्केलिंग, यदि हमने प्रॉपर्टी में सेट कर दिया तो फिर यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, अदरवाइज हमें यहाँ पर भी मैनेज करना चाहिए कि हम किस साइज पर प्रिंटर निकाल रहे हैं, ठीक है।
ओके करेंगे तो वो सेट हो जाएगा और प्रिंटर प्रिंट ले लेगा। अभी यहाँ पर प्रिंटर अटैच नहीं है तो ये प्रिंटर नहीं लेगा। इसके अलावा यहीं पर प्रिंट जब हम जाते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन, ऑप्शन के अंतर्गत ये पूरी सेटिंग है एमएस वर्ड की, तो हम ऑप्शन में पर्टिकुलर जितने भी ऑप्शंस हैं इनको एक बार समझेंगे। यहाँ पर प्रिंटिंग से रिलेटेड है कुछ, सो वाइट स्पेस यदि आपने कुछ सेट कर रखा पेज इन लेआउट व्यूज में तो वो लागू होगा, है ना। हाईलाइट कोई मार्कर आप मार्कअप आपने सेट कर रखा है तो वो प्रिंट होगा, और डॉक्यूमेंट टूल टिप्स भी यहाँ पर शो होगी प्रिंटिंग टाइम पर। यदि आप चाहते हैं कि ये नहीं आए तो इसको हटा सकते हैं, है ना। तो ये सारी सेटिंग्स हम आगे समझेंगे जब हम एम एस वर्ड के टूल समझ लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनका यूज़ हमने नहीं किया। उदाहरण के जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक हाइपर लिंक है, तो हाइपर लिंक क्या होता है कैसे यूज़ करते हैं ये पहले हम समझेंगे, फिर इनके शॉर्टकट्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट ऑप्शन कंप्लीट होता है, अभी हमें इसको कैंसिल करना है। प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया। प्रिंट के पहले यदि आपको देखना है प्रीव्यू, और ये एक अच्छी बात होती है कि आप उसका प्रीव्यू देख लें जिससे आपको बात समझ में आ जाए कि कहीं कोई डेटा अब कंटेंट हमारा प्रिंटिंग में जा तो नहीं रहा है, कट तो नहीं रहा है, व्यवस्थित तरीके से प्रिंट आ रही है, तो उसको देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से बहुत सारी सेटिंग आप प्रिंट प्रीव्यू के साथ में ही सेट कर पाएंगे, और उसमें सबसे पहला प्रिंटर भी आ रहा है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको प्रिंट दे सकते हैं। ऑप्शन के अंतर्गत जाकर के जो जो सेटिंग्स थी उनको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, इस मार्जिन को हम पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मार्जिन है जो हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर सेट करते हैं। जैसे अभी हमने मार्जिन यहाँ पर नैरो सेलेक्ट किया है तो ये बाई डिफ़ॉल्ट उठ करके डेटा थोड़ा सा ऊपर आ गया है और मार्जिन कम हो गया है। और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मार्जिन यहाँ पर है, नॉर्मल हम मार्जिन लेते हैं तो वापस डेटा वहाँ चला गया, यानी इतनी जगह को उसने छोड़ दिया है। तो हम डिटेल में भी इसको समझेंगे और कैसे सेट करें वो भी समझेंगे। इसके बाद यहीं से आपको प्रिंटर का लेआउट चेंज करना है, पोर्ट्रेट ना देकर के लैंडस्केप देना है तो पेज आड़ा हो जाएगा। वापस हमें पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज हमें क्या लेना है यहाँ से भी साइज सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे हमें छोटा करके देखना है इसमें पूरा पेज नहीं आ रहा तो 75 का जूम इन हम कर सकते हैं, जूम आउट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली 100% का ऑप्शन भी दिया है कि आप 100% में सेट कर दें। इसके साथ वन पेज और टू पेज का फॉर्मूला यहाँ पर है, वन पेज में सिंगल पेज पूरा आपको व्यू होगा, टू पेज में यही यदि एक से अधिक पेज है, अभी एक से अधिक पेज नहीं है, हम एंटर करके और एक पेज और यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, एक से अधिक पेज जनरेट कर लेते हैं। ये देखिए अब दो पेज को एक साथ ये दिखा रहा है, तो इस प्रकार से टू पेज फॉर्मेट में आप देख पाएंगे। और एक से अधिक वन है टू हो गया, पेज की विड्थ आप यहाँ से प्रॉपर व्यू में देख पाएंगे, पूरा विड्थ यहाँ पर आ रहा है। रूलर का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शन से मिलेंगे आपको प्रिंट प्रीव्यू में, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इसी में मिलेगा रूलर, रूलर क्या होता है, रूलर आ गया तो हम इसको समझ लेते हैं। पेज को मापने के लिए जो स्केल होता है एमएस वर्ड के अंतर्गत उसे हम कहते हैं रूलर, जो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इस रूलर से भी हम कंटेंट का मार्जिन जो है पेज का मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं, और इसकी साइज या कंटेंट का जो टैब्स है उनका निर्धारण भी हम कर सकते हैं, टैब कहलाते हैं। हमारे कीबोर्ड में टैब का बटन होता है, तो जब हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो जहाँ पर आपने टैब लगाए हैं उसके अनुसार, ये टैब लग चुके हैं उसके अनुसार इतना जंप करेगा, यानी यहाँ पर कंटेंट लिख रहे हैं और टैब बटन प्रेस किया है तो यहाँ से जंप करके इस नेक्स्ट टैब पर चला जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करके टैब लगा सकते हैं डायरेक्टली, एक टैब का ऑप्शन भी एमएस वर्ड के अंदर होता है, लेकिन हम डायरेक्टली क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं कि कितने टैब पर हमें कॉलम निर्धारित करना है, उतने उतने पर डेटा टाइप हमारा होता जाएगा। यहाँ पर सिंक कर सकते हैं एक पेज के ऊपर, अटेम्प्ट अभी लागू नहीं है, हम इसको डेटा लेने के बाद सिंक करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पर हमें पहुंचना है, डायरेक्टली कर्सर नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा। इसके पहले के पेज को देखना तो प्रीव्यू हम कर सकते हैं, हालांकि नेक्स्ट पेज और प्रीव्यू का यूज़र नॉर्मल तौर पर बहुत कम करता है, कहीं ना कहीं हम स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक फास्ट मूवमेंट होती है जिससे हम अगले पेज पर डायरेक्टली पहुँच पाते हैं।
क्लॉज प्रीव्यू से जो प्रीव्यू दिखा रहा था वो क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रिपेयर के अंतर्गत कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड है। इन सारे ऑप्शंस को, प्रॉपर्टी को हम आगे देखेंगे। सेंड उसे मेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, ईमेल भी है, ईमेल एज ए पीडीएफ के रूप में भी अटैच करके आप सेंड कर सकते हैं, ईमेल एज ए एक्सपीएस अटैचमेंट कर सकते हैं, और इंटरनल कोई फैक्स वगैरह, वर्तमान समय फैक्स का यूज़ बहुत कम होता है, ईमेल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसका ही यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी मेल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए आउटलुक एक्सप्रेस पर एक अकाउंट बनाना होगा और उसको अटैच करना होगा, तभी जा कर के मेल कर पाएंगे। नॉर्मली एक छोटे ऑफिस में कहीं ना कहीं इसका यूज़ कम किया जाता है। यदि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं और एक साथ सभी को कोई सूचना देना है तो फिर हम आउटलुक एक ऑफलाइन अकाउंट बना के रखते हैं और उसके माध्यम से मेल पर सेंड कर सकते हैं और यहीं से एमएस वर्ड से डायरेक्टली वो मेल हो जाएगा। पब्लिश भी कर सकते हैं, खासतौर पर ब्लॉग पेज में आप पब्लिक कर पाएंगे। ब्लॉग क्या होते हैं इसको भी हम आगे समझेंगे। सर्वर पर भी इसको पब्लिश कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, यदि एक से अधिक क्लाइंट हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 5 से 10 लोग यदि जुड़े हुए हैं और हमें इस फाइल को वहाँ पर उन तक पहुँचाना है, जैसे हमारे यहाँ पर जितने लैब के सिस्टम है आपस में हमें कोई फाइल बनाई उसे शेयर करना है, उदाहरण के तौर पर जैसे आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, ऐसा कैसा जो सर्वर में हमारे यहाँ पर जितने भी क्लाइंट सिस्टम लगे हैं वहाँ पर यहाँ से फाइल सेंड हो जाएगी, लेकिन आपस में कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़े होना चाहिए। ठीक है, क्लोज से फाइल को बंद कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा वर्ड के अंतर्गत, ऑप्शन मेन्यू के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनकी बात अभी हमने की थी, तो इनको हम लास्ट में समझेंगे। है फर्स्ट का ऑप्शन, लेकिन हम यूज़ करेंगे इसके बाद जो जो समस्या आएगी उनके बाद हम इनको पूरा डिटेल समझेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये फाइल मेन्यू कम्प्लीट हुआ।